हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को बिना सब्सक्राइब करे हुए बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ एक बेल नोटिफिकेशन यहाँ पे है उसे ज़रूर हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो बनाऊंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो विवेक खुशी मैटर को लेके अभी भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातचीत का मुद्दा बना हुआ है क्योंकि आए दिन एक नई नई चीज़ें, एक नई नई राज सामने आ रहे हैं और अब इस चीज़ के बारे में काफ़ी सारे व्लॉगर्स ने भी बातचीत करनी शुरू कर दी है। खुशी विवेक YouTube का एक जाना माना चेहरा है, Instagram का एक जाना माना चेहरा है, तो इनके अचानक से गायब होने के बाद जाहिर सी बात है कि सबको इनका चिंता भी होगी और क्यूरियस भी होंगे जानने के लिए कि एक्चुअल में ऐसे क्या रीजंस हो गए कि अचानक इन्हें बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी भी इंफॉर्मेशन के यहाँ से गायब होना पड़ा। क्या इन लोगों ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है? अगर सोशल मीडिया छोड़ दिया है तो फिर सारे के सारे अकाउंट्स एज इट इज़ सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं? क्या वाकई में जो खबरें इस समय उड़ रही हैं उनमें कोई भी सच्चाई है? सबसे पहले खबर ये उड़ी कि खुशी का अफेयर चल रहा है, जो कि मैं नहीं कमेंट सेक्शन में करने वाले कुछ चुनिंदा आईडीज़ बोल रही थी। सबसे पहले जिस वीडियो में 1 मिलियन के अराउंड व्यूज़ थे, आज की डेट में उस वीडियो में 3.3 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं इंस्टाग्राम की खुशी की सबसे लेटेस्ट रील जो उन्होंने लास्ट डे पोस्ट करी थी और उसके बाद से उनका कोई भी अता पता लापता है। उसी रील को जब उन्होंने डाला था उस वक्त उसमें 1 मिलियन भी व्यूज़ कंप्लीट नहीं थे, लेकिन आज उसमें 3.3 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। हर कोई अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए और अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए उसी पर्टिकुलर रील के नीचे जाके कमेंट्स कर रहा है। जहाँ पे थोड़े दिन पहले उसके कमेंट सेक्शन में 200-300 कमेंट थे, आज वो कमेंट्स की संख्या 800-900 के करीब है और अगर वहाँ से कमेंट्स डिलीट ना हुए होते तो शायद ये कमेंट्स हज़ारों पार कर चुका होता। सबसे पहले उन्हीं कमेंट्स के ज़रिए एक अफवाह फैलाई गई, अफवाह ही बोलेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ का जब तक हमारे पास पुख्ता प्रूव नहीं होता, कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, तब तक हम किसी भी चीज़ को ये नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल सच और सत्य है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई खुशी के लिए रूमर्स उड़ाते हुए, जहाँ पे ये बताया गया कि खुशी पकड़ी गई है, उसका अफेयर चल रहा था, इसीलिए खुशी से अलग हो गए हैं विवेक। काफ़ी 4-5 दिन तक खुशी 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 और खुशी के बारे में बातचीत चलती रही। फिर अचानक से चीज़ें हुई चेंज, खुशी का मैटर हुआ क्लोज, खुशी से रिलेटेड कमेंट्स वहाँ से हुए डिलीट और उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ जहाँ पे बोला गया कि खुशी का नहीं अफेयर तो विवेक का है। विवेक किसी होटल में पकड़े गए जहाँ पे खुशी ने उन्हें पकड़ा, उसके बाद से खुशी का फ़ोन छीन लिया गया है और खुशी को घर से बाहर कर दिया गया है। इनफैक्ट खुशी के साथ मारपीट भी हुई है और बच्चे को लेके भी बहुत सारे टॉर्चर खुशी पे इस वक्त हो रहे हैं। ये कमेंट सेक्शन में कुछ चुनिंदा आईडीज़ द्वारा आजकल की जो न्यूज़ है मैं वो बता रही हूँ जो वहाँ लिखा जा रहा है कि खुशी अगर चुप है, उसके सारे अकाउंट्स नहीं हैं क्योंकि उसके पास, और अपने बच्चे की वजह से क्योंकि बच्चे को लेके खुशी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज जब मैंने वो कमेंट सेक्शन दोबारा से खोल के देखा तो आज एक नई न्यूज़ और एक नई चीज़ों के साथ सामना होता है। सबसे पहले खुशी का कैरेक्टर असैसिनेशन, खुशी के अफेयर्स की अफवाहें, उसके बाद विवेक के अफेयर्स की अफवाहें और अब एक न्यू कहानी जो मैं आप सबको यहाँ पर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जहाँ पर ये सब्सक्राइबर तो नहीं, इनकी क्या आइडेंटिटी है ये भी आपको इस कमेंट के लास्ट में मैं बता दूंगी जिन्होंने ये कमेंट किया है। तो 10 घंटे पुराना ये कमेंट है जहाँ पे इन्होंने लिखा है विवेक भाई ने खुशी चीट करी थी। विवेक भाई नहीं, खुशी चीट करी थी, पर्ल वी पुरी के साथ अफेयर था, तभी खुशी ने पर्ल के साथ वाली पिंड वीडियोज़ हटा दी जो टॉप पर थी इसकी प्रोफाइल पर, और ये खुशी ही फेक कमेंट्स करवा रही है। अब कि विवेक का अफेयर चल रहा था क्योंकि पहले सारे कमेंट्स आ रहे थे कि खुशी का अफेयर था जो कि उसने डिलीट कर दिया सारे, और अब खुद के फेक आईडी से कमेंट करवा रही है। ये मेरी आईडी भी फेक है क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता। तो जिन्होंने कमेंट किया है उन्होंने अपने आप को खुद ही बोल दिया है कि मेरी भी आईडी फेक है और मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता।
सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला कि खुशी के अफेयर को लेके खबरें आई, फिर वो खबरें ख़त्म हुई, फिर विवेक के अफेयर को लेके खबर आई, और अब यहाँ तक कि जिसके साथ खुशी का अफेयर चल रहा था उनका नाम तक बोला गया है पर्ल वी पुरी का, जिसको काउंटर करते हुए जितने भी फैंस पर्ल वी पुरी के हैं उन्होंने आके नीचे कॉमेंट किया है कि इस तरीके की बातें मत कीजिए, पर्ल वी पुरी को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। और अगर आप लोगों ने इनकी पास्ट वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी तो खुशी पर्ल को भी भैया ही बोलती थी। इनफैक्ट जितने भी लोगों से वो बात करती थी मुंबई में, जितने भी लोग इनके कॉन्टैक्ट्स में थे, खुशी ने अधिकतर सभी को भैया करके ही बोला है। तो देखिए कि अब उसका नाम किसके साथ जोड़ा जा रहा है। और अब पर्ल वी पुरी को लेके भी नीचे काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, जो कि अगेन एक फेक आईडी द्वारा आया है, क्योंकि इस आईडी ने खुद बताया है कि मैं खुद भी फेक हूँ। तो ये जो कमेंट्स का सिलसिला चल रहा है ना, ये सारी फेक आईडीज़ हैं। मुझे हैरानी होती कि कौन इतना ज़्यादा कंसर्न किसी के लिए है कि किसी के लिए अफवाहें फैलाने के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो चूज़ करी हुई है, और उन्हीं वीडियोस के नीचे अलग अलग तरीके से अलग अलग इंसान की बदनामी हो रही है। क्योंकि जब खुशी से रिलेटेड चीज़ें हो रही थी तो वो कमेंट तीन तीन चार चार दिन तक खुशी के लिए वहाँ पे पड़े होते थे। अगर कि खुशी ये चीज़ें कर रही होती तो वो अपने खिलाफ कोई भी कॉमेंट को अप्रूव करती ही क्यों, वो तो अपने कॉमेंट डिलीट करती ना। लेकिन खुशी वाले कॉमेंट भी तीन तीन चार चार दिन तक इस कमेंट सेक्शन में पड़े रहते थे। और अब विवेक से रिलेटेड जो कमेंट आ रहे हैं वो भी अब नहीं हैं, वो भी डिलीट हो चुके हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूशन में कोई ना कोई आके कमेंट कर देता है जो शायद डिलीट होने में लेट हो जाता है, और वो ऑडियंस पढ़ लेती है, और उसी सिलसिले में इनके कमेंट सेक्शन में अनदर लेवल की जंग छिड़ी हुई है। अब इन्हीं बातों के बीच एक और बात चर्चा का विषय बनी है जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ है। आप जानते हैं कि बहुत जल्दी बिग बॉस OTT भी शुरू होने वाला है, और एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल बोलूँगी या वो बिग बॉस की सारी न्यूज़ कवर भी करते हैं, बहुत जाने माने हैं, आप लोग भी आई एम श्योर उन्हें जानते भी होंगे और उनके वीडियोस भी फॉलो करते होंगे। तो उन्होंने कुछ नाम बताए हैं जो इस बार बिग बॉस OTT के लिए सेलेक्ट हुए कंटेस्टेंट हैं, और हैरानी की बात यह है कि उन नाम के लिस्ट में खुशी और विवेक का नाम भी है बिग बॉस OTT के लिए। अब ऑडियंस का दिमाग घूम रहा है कि आखिर में ये चल क्या रहा है। पहले खुशी के नाम को लेके इतनी अफवाहें फैलाई गई, फिर विवेक के नाम को लेके, अब पर्ल वी पुरी का नाम भी सामने आ रहा है, और अब उसके बाद बिग बॉस OTT के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो आखिर में इन सब चारों, मतलब ये जो चार खिचड़ी पकी हुई है, इस खिचड़ी में असलियत क्या है? क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि बिग बॉस OTT में जाने के लिए किसी को अपने कैरेक्टर के साथ इस कदर खिलवाड़ करना पड़े। अगर बिग बॉस OTT में वो जाते भी, जैसे लास्ट टाइम भी उनका बिग बॉस में जाने का सीन बन रहा था, अब किन सर्कमस्टांसिस की वजह से वो सीन कैंसिल हुआ या क्या हुआ, उस समय भी उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत वीडियोज़ बनाई थी, सरप्राइज़ व्लॉग्स, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। तो अगर वो OTT या बिग बॉस में जा रहे होते तो उन्हें छुपने की या डिसअपियर होने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए थी। इनफैक्ट इस टाइम पे उनका सोशल मीडिया उनके बहुत काम आने वाला था अपने आप को हाइप दिलवाने के लिए, क्योंकि आपका सोशल मीडिया अकाउंट ही आपके सर्वाइवल का वहाँ पे रीज़न बनता है। इसीलिए जितने भी लोग बिग बॉस में जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो अपना पूरा बैकअप शूट करके जाते हैं ताकि उनका एक भी दिन का वीडियो जो है वो ख़राब ना हो और उनकी हाइप ऑडियंस की नज़र में बनती रहे। वहाँ पर अपने आप को डिसअपीयर करने के बाद क्या वो आइडेंटिटी में वो स्पार्क रहेगा बीबी हाउस के अंदर जाने पे? तो मुझे ऐसा लगता है कि बीबी की लिस्ट में पहले भी बहुत बार ऐसे नाम बताए गए हैं न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से या मीडिया चैनल्स के माध्यम से, जो बाद में फेक निकलते हैं। मतलब बोले तो जाते हैं लिस्ट में आ गए हैं लेकिन देखने को मिलता नहीं है। तो अभी ये भी पक्का नहीं है कि ये वाकई में बिग बॉस के लिए ये ड्रामा हो रहा है, क्योंकि बिग बॉस के लिए कोई इतना वाहिया ड्रामा तो नहीं करेगा कि पहले खुशी को बदनाम करे, वो भी अफेयर जैसी चीज़ कैरेक्टर को लेके, उसके बाद विवेक को बोले वो भी अगेन कैरेक्टर को लेके, उसके लिए भी बहुत तरीके की बातें, यहाँ तक कि घरेलू हिंसा का तक आरोप लगा रहे हैं, बीवी के साथ मार पिटाई करना, बच्चे को लेके ब्लैकमेल करना, खुशी के सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उससे छीन लिए गए हैं, इसी रीज़न से वो सोशल मीडिया पे नहीं आ पा रही है। ऊपर से ये भी बोला जा रहा है कि खुशी अब फेक आईडीज बना के जो कमेंट्स हैं वहाँ पे वो खुशी ही करवा रही है कमेंट्स, जितने भी विवेक को लेके कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि अफेयर विवेक का नहीं खुशी का चल रहा था। तो अब खुशी विवेक के लिए इस तरीके की मनगढ़ंत कहानियों से रिलेटेड वीडियो के नीचे कमेंट्स करवा रही है।
अब इन सारी चीज़ों में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही कौन गलत, क्योंकि इतने दिन तक गायब होने का कोई भी मतलब समझ में नहीं आता। अच्छा हाँ, एक और मैंने कमेंट पढ़ा था, फ़िलहाल वो कमेंट आई थिंक मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे मिला नहीं, जहाँ पे मैंने ये भी सुना था कि ऐसा भी बोला जा रहा है कि इनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है और इनके जो फादर साहब हैं वो भी हॉस्पिटलाइज हैं, इस तरीके की बात हुई। अब सोचिए कि इन दिनों इनके कमेंट सेक्शन में इतनी मल्टीपल टाइप की बातें हो रही हैं कि ऑडियंस किस बात पे विश्वास करे, किस बात पे यकीन करे। मतलब अगर बात घर में कोई सीरियस इशू या किसी की हेल्थ से रिलेटेड है तो डेली व्लॉगर की लाइफ में इतने दिन का गैप, मतलब आप समझ रहे हो, डाइजेस्ट होने वाली बात ही नहीं है। और अगर डेथ ही रीज़न हो सकता है या हेल्थ इश्यूज ही रीज़न हो सकते हैं तो ये रिश्तेदार आपस में एक दूसरे को अनफॉलो क्यों कर रहे हैं? क्यों विवेक को उनके भाई ने, सास ससुर ने, खुशी की बहन को, खुशी मतलब बहुत सारे इनके रिश्तेदारों ने इन लोगों को अनफॉलो किया है। बहुत सारे नाम कमेंट सेक्शन में हैं शायद जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन इनके बहुत सारे रिश्तेदारों ने, दोनों के अलग अलग रिश्तेदारों ने इन्हें फॉलो करते थे जो उन्हें अनफॉलो कर दिया है, और तो और भम्मू ने तक अनफॉलो कर दिया है इनको। अब अनफॉलो करने का रीज़न, क्योंकि आजकल फॉलो अनफॉलो का गेम भी एक अलग ही हाइप लेके आता है, कुछ देर के लिए फॉलो अनफॉलो करते हैं फिर ये बता देते हैं अरे कुछ ऐसा ग्लिच हो गया था, कुछ ऐसा हो गया था, उसके बाद आके जस्टिफिकेशन दे देते हैं, तो इस बात को भी हम श्योरिटी के साथ नहीं ले सकते। लेकिन अगर हेल्थ इशू से रिलेटेड कोई बात थी तो एक महीना ऑलमोस्ट होने को आया है अब तक बता देते कि ये रीज़न था, लेकिन गायब हो जाना तो किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। क्यों लोगों को इतना बोलने का और बातें करने का मौका दिया जा रहा है? दोनों इनफ मैच्योर हैं और हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड कपल्स हैं। अगर बीच में ऐसी कुछ तकरार चल भी रही है, कुछ इश्यूज चल भी रही हैं रिलेशनशिप को लेके, तो वो भी बहुत हेल्दी तरीके में अपनी ऑडियंस को आके बताया जा सकता है, रेदर देन एक दूसरे के लिए इतनी गंदी गंदी फेक न्यूज़ जो स्प्रेड करवाई जा रही है या जो भी करवा रहा है, जो भी इन चीज़ों के पीछे है, ये सब ना हो। अपने अपने एंड पे आके एक एक वीडियो के माध्यम से ही बताया जा सकता है, चाहे रिलेशनशिप में अप डाउन चल रही हैं, चाहे फैमिली में कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, सो दैट कि ऑडियंस किसी भी तरीके का परसेप्शन इनके लिए सेट ना करे, क्योंकि हर कोई ऑडियंस समझदार नहीं होती और हर कोई ऑडियंस इतना डीपली भी नहीं सोचती। अधिकतर ऑडियंस जो लिखा होता है उन पर बिलीव कर लेती है और उन्हीं चीज़ को फॉलो करना शुरू करती है, तो इससे नुकसान इस समय दोनों ही फैमिलीज़ का है और दोनों का ही है। इसमें नुकसान खुशी का भी है जो उसने इतनी मिलियन की जनता कमाई है, इसमें नुकसान विवेक का भी है और उनकी फैमिली का भी है। तो मैच्योरिटी यही कहती है कि चाहे कुछ भी रीजंस हैं, आके एक बार सोशल प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियली बोल लो, सो दैट कि डे बाय डे एक नई नई कहानियां, नए नए पड़ोसी, नए नए जानकार, नए नए दोस्त यार इन लोगों के बीच में घिस रहे हैं। जो दोस्त हैं इनके, सोचो कि पल्लवी पूरी तक का नाम बीच में आ गया है, तो सोचिए कि कितनी बदनामी हो रही है, कि कहां कहां से लोग किस किस को ड्रैग करके कहां कहां तक, किस किस हद तक बात कर सकते हैं। तो क्या इन लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि इस चीज़ को रोकें या इस चीज़ के बारे में बात करें, या फिर इन लोगों को अपने बारे में ये सब बातें सुन के ये लग रहा है कि चलिए 1 मिलियन से आज 3 मिलियन व्यूज़ हो गए। क्या व्यूज़ इतने मैटर करते हैं? क्योंकि जब आप डिलीट करने कॉमेंट्स एक्टिव हो सकते हो, जब डिलीट हो रहे हैं कमेंट्स, तो क्यों किसी भी कमेंट की जस्टिफिकेशन नहीं आ रही है? दिस इज़ रियली स्ट्रेंज कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऑडियंस के साथ ये छुपन छुपाई वाला गेम खेला जा रहा है, क्यों ऑडियंस को इतना गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ बिग बॉस OTT, एक तरफ खुशी, एक तरफ विवेक, एक तरफ पल्लवी पूरी, एक तरफ फैमिली में हेल्थ इश्यूज, एक तरफ राजा, मतलब सबके सब इस समय इनएक्टिव हैं, लेकिन खुशी की सिस्टर बिल्कुल एक्टिव हैं, उनकी सारी रील्स आ रही हैं, उनकी रील्स के नीचे भी लोग उनसे पूछ रहे हैं, बट वो कम्प्लीटली इग्नोर कर रही है, इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं कर रही है। तो जो इनएक्टिव हैं वो है विवेक की फैमिली और स्पेशली खुशी, खुशी विवेक एंड उनकी पूरी फैमिली, वो इस वक्त इनएक्टिव हैं। बाकी सब लोग अपने अपने एंड पे एक्टिव हैं, चाहे वो नाना जी के फैमिली के लोग हों। और क्यों इनके रिश्तेदार इनको अनफॉलो कर रहे हैं, खुशी वाले विवेक वालों को और विवेक वाले खुशी वालों को,
क्यों अनफॉलो कर रहे हैं, आखिर क्यों भम्मू ने इनको अनफॉलो कर दिया जबकि भम्मू से इनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छी बातचीत थी, और अब उन्होंने भी इन्हें अनफॉलो कर दिया। तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी आइडिया है, कुछ भी आप लोग जानते हैं, अब मैं आप लोगों को भी क्या बोलूँ, क्योंकि कमेंट्स पर से तो विश्वास ही उठ गया है इनके टॉपिक को लेके, तो वाकई में कमेंट्स पर से विश्वास ही उठ गया है। बाकी किसी कमेंट पे विश्वास किया भी जा सकता था, लेकिन इनके उसमें इतने फेक कमेंट्स आ रहे हैं, इतनी फेक आइडियाज़ आ रही हैं, 5-5, 6-6 दिन पुरानी, पूरी की पूरी ऐसा लगता है कि पीआर एक्टिव करी हुई हो, कि पीआर टीम बनाई हुई हो कि अब इसके लिए बोलना है, ऐसा साउंड कर रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कमेंट्स नहीं हैं। जो ऑर्गेनिक कमेंट्स होते हैं वो समझ में भी आते हैं और पता भी चलते हैं, और जो अनऑर्गेनिक तरीके से करवाए जाते हैं वो भी पता चलता है या करे जाते हैं, कोई पड़ोसी की आड़ में, कोई भाई बंधु की आड़ में, कोई दोस्त यार की आड़ में, लेकिन जो मेन इन्फ्लुएंसर हैं, जिनका मेन चैनल है, वो आगे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो आप लोगों से भी मैं क्या ही पूछूं, क्योंकि आप लोगों को भी उतना ही पता होगा जितना मुझे पता है और जितना हम लोग भी कमेंट्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1-to-1 किसी का अगर खुशी और विवेक से इंटरेक्शन हुआ है, किसी की उनसे बातचीत हुई है, तो वो तो प्राइवेसी क्यों ब्रीच करेगा, आके क्यों बताएगा कि एक्चुअल में क्या मैटर है ना। तो ये था आज का एक रिएक्शन, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लेकिन ये ज़रूर बताना कि ये जो बिग बॉस OTT का एक नया सामने आया है, आपको क्या लगता है कि कहीं ये वाकई में बिग बॉस में जाने का एक नया ड्रामा तो नहीं है, एक प्रोपोगंडा तो नहीं है? क्योंकि मेरी एनालिसिस यही कहती है कि इस तरह अपना कैरेक्टर को गिरा के तो बिग बॉस के अंदर जाने का ना कोई फ़ायदा है, ना उससे इन्हें कोई फ़ायदा होगा। इनफैक्ट इनको वोटिंग में आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इज्जत बना के कोई अंदर जाता है, इज्जत को बिगाड़ के अंदर नहीं जाता, क्योंकि बिग बॉस के अंदर तो वैसे ही इज्जत की मटिया पलेद होती ही होती है अंदर जाने के बाद। लेकिन बाहर से हर कोई अपनी एक अच्छी इमेज लेके अंदर जाता है, बुरी इमेज तो वहाँ जाके खुद हो जाती है। तो ये था आज का एक रिएक्शन, यहीं पर वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।